व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ आप लोगों की खिदमत में लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने कैलकुलेटर को 2 सेकंड्स के अंदर रिफ्रेश कैसे करना है। ऑलमोस्ट कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, कभी कभी कैलकुलेटर स्टक हो जाता है, कभी बहुत मेमोरी लॉस हो जाता है, कभी हमारा आंसर हमारे पास नहीं आ रहा होता। आज मैं आपको बताऊंगी आपने कौन से बटन्स को दबा कर इसको रिफ्रेश करना है ताकि आप लोगों के कैलकुलेटर बिल्कुल फ्रेश रहे और आप अपनी इक्वल लंबी लंबी कैलकुलेशन ईजीली कर सकें। हाँ जी, सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को ओपन करें। आप लोगों के कैलकुलेटर पे एक शिफ्ट का बटन होगा, फिर आपने मोड का बटन दबाना है। 1 दबाएंगे तो मेमोरी के लिए 1 दबा के इक्वल्स दबाएं, फिर दोबारा से शिफ्ट शिफ्ट मोड 2 दबाएंगे, 2 दबाएंगे तो ये इक्वल का दबाएंगे तो मोड भी क्लियर हो जाएगा, 3 दबाएंगे तो रीसेट ऑल हो जाएगा। इस तरह से आपके कैलकुलेटर 2 सेकंड्स में रिफ्रेश हो जाएगा। अक्सर कैलकुलेटर्स में यहाँ पीछे बटन होता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका रिफ्रेश बटन पीछे नहीं होता। आप लोग इस तरह के शॉर्टकट्स को भी अप्लाई करके अपना कैलकुलेटर रिफ्रेश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।